हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पौना दाट में स्वागत है। सो आज के वीडियो होने वाला है काफी स्पेशल, बिकॉज इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू ड्रॉ रियलिस्टिक लुकिंग स्किन टेक्सचर एंड आई एम गोइंग टू ड्रॉ लिटिल स्किन पोर्स। उसमें जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं मैं वो सभी ड्रॉ करने वाला हूँ। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस रियली गोइंग टू बी बेस्ट, बट आई एम गोइंग टू शेयर कि कैसे मैं अपनी ड्रॉइंग्स में रियलिस्टिक स्किन टेक्सचर्स ड्रॉ करता हूँ, कैसे इस ड्रॉइंग में मैंने रियलिस्टिक स्किन टेक्सचर ड्रॉ करने का ट्राई किया था। सो आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा कि नहीं, बट आई गिव माई बेस्ट। एंड अगर आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखते हैं एंड आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा गाइस, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो गाइस। सो आई एम स्टार्टिंग विद द शेडिंग ऑफ बेस लेयर एंड इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ 2B ग्रेड की ग्रेफाइट पेंसिल का। सो इसकी हेल्प से मैं एक बार पूरे बेस लेयर में एक शेडिंग की लेयर अप्लाई करने वाला हूँ। देन उसके ऊपर हम स्किन टेक्सचर अप्लाई करेंगे, शेडोज डालेंगे, डार्कनेस डालेंगे एंड हाईलाइट्स ऐड करेंगे। सो बेस लेयर की शेडिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड नाउ इट्स टाइम टू ब्लेंड इट। एंड ब्लेंडिंग के लिए मैं यूज कर रहा हूँ एक बड़े साइज के मेकअप ब्रश का, जिसके हेयर्स काफ़ी स्मूथ हैं एंड इससे काफ़ी स्मूथ ब्लेंडिंग होती है। एंड फॉर मोर स्मूथ रिजल्ट आई एम यूजिंग अ पीस ऑफ कॉटन। नाउ इट्स टाइम टू एड द सेकेंड लेयर, जिसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ 4B ग्रेड की ग्रेफाइट पेंसिल का। एंड जहाँ मुझे डार्कर शेडोज चाहिए मैं वहाँ पर एक नई लेयर ऐड कर रहा हूँ। तो सेकेंड लेयर को भी मैं सेम ब्रश की हेल्प से काफ़ी अच्छे से ब्लेंड कर लेता हूँ। नाउ फॉर शैडोज एंड द डार्कर पार्ट आई एम यूजिंग चारकोल पाउडर एंड आई एम टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ चारकोल पाउडर इन द ब्रश व्हिच आई एम यूजिंग फॉर ब्लेंडिंग एंड उसे मैं अच्छी तरह से पूरे फेस पे स्प्रेड कर रहा हूँ। एंड चारकोल पाउडर का यूज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे काफ़ी ईजिली एंड काफ़ी जल्दी हम लार्जर एरिया को डार्क कर सकते हैं एंड काफ़ी स्मूथ रिजल्ट भी इससे आता है rather than using those graphite pencil, क्योंकि उससे काफ़ी मेहनत लगती है। सो आई ऑलवेज प्रीफर टू यूज चारकोल पाउडर इंस्टेड ऑफ ग्रेफाइट पेंसिल्स। तो इस न्यू लेयर को भी मैंने एक कॉटन की हेल्प से काफ़ी अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। नाउ रेफरेंस इमेज में थोड़ी सी हल्की सी इसमें बियर्ड भी है तो मैं जल्दी से ये बियर्ड ड्रॉ कर लेता हूँ। एंड इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ स्टेडलर मास ब्लैक पेंसिल एंड इससे मैं काफ़ी अच्छी तरह से शार्प करके हल्के हल्के इसमें बियर्ड लाइट बियर्ड ड्रॉ कर रहा हूँ। देन इसके बाद मैं इसमें स्किन टेक्सचर ऐड करना शुरू करूंगा। सो फाइनली नाउ इट्स टाइम टू ऐड सम स्किन टेक्सचर एंड इसके लिए मैं सबसे पहले एक 2B ग्रेड की ग्रेफाइट पेंसिल का यूज करके हल्के हल्के स्किन पोज ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके लिए मैं सिंपली पूरे फेस में रैंडम प्लेसेस पे डॉट्स ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये जो डॉट है वो रिप्रेजेंट करते हैं स्किन पोज को। सो मैं हर जगह पे हल्के हल्के से डॉट ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड नाउ आई एम यूजिंग मोनो जीरो इरेजर एंड मैं इन डॉट्स के अराउंड पे हाइलाइट्स ऐड करूंगा जिससे ये ज़्यादा बेटर लगेंगे। तो इस मोनो जीरो इरेजर की हेल्प से सिंपली मैं पोज की जो हाइलाइट्स हैं उन्हें ड्रॉ कर रहा हूँ या इरेज कर रहा हूँ एंड जो स्किन में कुछ बम्स होते हैं उन्हें मैं इस मोनो जीरो इरेजर की हेल्प से हाईलाइट कर रहा हूँ। एंड इसी इरेजर की हेल्प से आप लाइट हेयर्स भी ऐड कर सकते हैं अपने ड्रॉइंग में। तो इस पेंसिल सेप डिरेजर की हेल्प से मैं कुछ हाइलाइटेड हेयर भी ड्रॉ कर रहा हूँ बियर्ड के एंड इससे ड्राइंग काफ़ी रियलिस्टिक लगेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं इससे मैं सिंपली इरेज कर रहा हूँ कुछ हाइलाइटेड हेयर को। तो मैं यही प्रोसेस वापस से रिपीट कर रहा हूँ जब तक कि मुझे ड्राइंग रियलिस्टिक ना लगे। मैं जो पिछले लेयर है उसे हल्का सा ब्लेंड कर रहा हूँ एंड न्यू हाइलाइट्स एंड न्यू स्किन पोर्स को ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड आई हैव अ रिक्वेस्ट टू यू गाइस कि अगर आप लोग को ये ड्राइंग ट्यूटोरियल पसंद आ रहा है एंड आप लोगों को लग रहा है कि ये ड्राइंग रियलिस्टिक है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, बिकॉज अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो यूट्यूब मेरी वीडियो को ज़्यादा रिकमेंड करेगा विच विल श्योरली गोइंग टू हेल्प मी। एंड कमेंट करके ये जरूर बताएं कि नेक्स्ट मुझे किस सब टॉपिक के ऊपर ट्यूटोरियल बनाना चाहिए या नेक्स्ट मुझे किस टॉपिक के ऊपर ड्राइंग बनानी चाहिए। आई विल डेफिनेटली मेक अ ड्राइंग ऑन इट। नाउ मैं यूज कर रहा हूँ एक वाइट जेल पेन का एंड इसके हेल्प से मैं स्किन में जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं उन्हें ड्रॉ कर रहा हूँ। नाउ इन सिमिलर वे कुछ टेक्सचर मैं फोरहेड वाले एरिया में भी ऐड कर रहा हूँ एंड इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ पेंसिल सेप्ड इरेजर का।
एंड अगर आपको इस ड्राइंग सीरीज के बाकी पार्ट भी देखने हैं जैसे हेयर ट्यूटोरियल, आई ट्यूटोरियल, तो उसके भी सारे जो वीडियोस हैं आपको मेरी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएंगे, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो के एंड में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो उन्हें चेकआउट करना ना भूलिएगा गाइस, बिकॉज दे कैन रियली हेल्प यू इन योर ड्राइंग्स।